हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लोग कोल माइनिंग से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले ओवरमैन और माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डील करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो से रिलेटेड हमारा ये है, हु शॉल अपॉइंट एज अ मैनेजर फॉर द माइन हैविंग बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग। ऐसा कोई माइंस यानी कि जिसको हम लोग मिक्स्ड माइंस बोलते हैं, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों वर्किंग चल रहा है, वैसे माइंस में मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड क्लास में से कोई भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, इफ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड माइंस इज 12,000 टन, नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड इन दैट माइंस इज। अगर एनुअल प्रोडक्शन किसी एक अंडरग्राउंड माइंस का 12,000 टन है, तो उस माइंस में कितना नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट होगा एज पर सीएमआर 2017। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे 2 सोच रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं, वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया है एनुअल प्रोडक्शन। यदि यही मंथली प्रोडक्शन रहता 12,000 टन, तब हम लोग क्या करते हैं, तब वो कैलकुलेशन करते हैं कि 7,000 से ज्यादा में एक असिस्टेंट मैनेजर और 10,000 के बाद हर 5,000 में एक असिस्टेंट मैनेजर ऐड होता है, तो उस हिसाब से 2 होता। लेकिन यहां पे एनुअल प्रोडक्शन 12,000 टन है, यानी कि जब आप मंथली निकालिएगा तो मंथली प्रोडक्शन 1,000 टन का हो गया, तो 1,000 टन में हम लोग असिस्टेंट मैनेजर नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एवरेज मटेरियल हैंडल्ड मींस एवरेज मटेरियल हैंडल्ड पर ईयर ड्यूरिंग डैश फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइनिंग में जब भी हम लोग एवरेज मटेरियल हैंडल्ड की बात करते हैं, तो पिछले कितने फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए हम लोग एवरेज मटेरियल हैंडल्ड निकालते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन नंबर सी 3 कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर डी 3 फाइनेंशियल ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 फाइनेंशियल ईयर। एवरेज मटेरियल हैंडल्ड हो जाता है कोल प्लस ओवरबर्डन, जो पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर में निकाला है उसका एवरेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नो डैश शॉल ट्रांसफर डिस्चार्ज एनी मैनेजर अनलेस द मैनेजर हैज बीन रिलीव्ड बाय अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन। कौन ऐसा पर्सन है जो मैनेजर को बिना किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन के अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं छोड़ेगा, ना ही डिस्चार्ज करेगा, ना ही उसको डिसक्वालीफाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट। ये ओनर और एजेंट की जिम्मेवारी है कि जब तक एक क्वालिफाइड मैनेजर उस माइंस में ना रहे, जो अपॉइंटेड मैनेजर है उसको जो ओनर और एजेंट है डिस्चार्ज नहीं करेगा या फिर छुट्टी वैकेंट उसका पोस्ट नहीं होने देगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 31 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई माइंस जिसमें डिफरेंट गैसेस सेम, यानी एक ही कोई माइंस है जिसमें सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री दोनों चल रहा है, तो वैसे में हम लोग एवरेज आउटपुट किसके कैलकुलेशन के लिए, वेंटिलेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के कैलकुलेशन के लिए, कैसे डिग्री ऑफ गैसिनेस को हम लोग एवरेज आउटपुट में मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए उस माइंस का जो फर्स्ट डिग्री होगा उसका प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी जो लोवेस्ट डिग्री होगा उस माइंस का, जैसा कि मैंने बताया मिक्स्ड माइंस से फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका प्रोडक्शन को मानते हुए वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाईएस्ट। इसका रेफरेंस आप अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर से ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु शॉल रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट यानी कि कौन से माइंस में कितना असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, इसके रिक्वायरमेंट में छूट कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। ये मेरा वीडियो का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने डील किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग सभी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु शॉल अरेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंजीनियर इन राइटिंग वेयर टू और मोर इंजीनियर एम्प्लॉयड एट वन टाइम। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक माइंस में 2 या 2 से अधिक इंजीनियर हैं जो जनरली माइंस में होते हैं, तो उनका काम कौन बांटेगा माइंस में, कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बांटेगा? ऑप्शन नंबर ए
CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैनेजर का कर्तव्य है। इसका रेफरेंस आप अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डेस्क शैल प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। कौन ऐसा पर्सन है जो उस पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड पर्सन का डिसिप्लिन और सेफ्टी से रिलेटेड सारा चीज़ प्रोवाइड कराएगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनर एजेंट एंड मैनेजर की कर्तव्य है ये। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 के तरफ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 33। बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, रेगुलेशन से डायरेक्ट मैंने, रेगुलेशन का हेडलाइन जो होता है उससे डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन ये लिया है। तो इसका भी आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इन ओपन कास्ट माइंस एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर इज रिक्वायर्ड। ओपन कास्ट के केस में एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग कब रखेंगे? जब उस माइंस में सारा मशीनरी का हॉर्स पावर 1500 से ज़्यादा एक्सीड करेगा, या उस माइंस में जब HEMM यूज़ होगा, या मैकेनिकल एनर्जी 650 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HEMM यूज। जब भी HEMM यूज होता है तो एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल, एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर जो डिप्लोमा या डिग्री किया है मैकेनिकल इंजीनियर से या माइनिंग मशीनरी से, उसको हम लोग अपॉइंट करते हैं। यही अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 650 से ज़्यादा वोल्ट में और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर 1.5 MVA और उससे ज़्यादा हो तो हम लोग एक एडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं। और अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर एक्स्ट्रा कब अपॉइंट करते हैं? जब हॉर्स पावर सारे मशीनरी का 1500 HP से ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले यदि आपको ये CMR का क्वेश्चन सेट अच्छा लग रहा है और आप इसको परचेस करना चाहते हैं, पूरा CMR आप PDF के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप माइनिंग मिस्ट्री का PDF प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसमें आपको CMR 2017 का फुल 2 MCQ सेट मिलेगा, जिसमें रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 260 के बीच टोटल 1500+ MCQ का ये सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मैंने लिया है और टोटल इसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड है। इसको परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप करके इस PDF को परचेस कर सकते हैं और अपना CMR का प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्टैचुरी सर्टिफिकेट नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सीनियर सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर सी क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी NA। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NA, सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग 12th भी बोलते हैं। डिप्लोमा डिग्री हो या फिर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गैजेट में फॉर्म किया हो, अपडेट किया हो, वो कोई सा भी अगर डिग्री आपके पास है तो आप ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद एक्सपीरियंस मैटर करता है कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अ स्टूडेंट हैविंग अ सर्टिफिकेट इन साइंटिफिक एंड माइनिंग ट्रेनिंग आफ्टर अ कोर्स ऑफ एटलीस्ट डैश ईयर कैन सीट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जैसा कि हम लोग को पता है कि फील्ड कैंडिडेट के लिए टोटल मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और डिप्लोमा होल्डर को 1 साल, जिसको हम लोग PDPT बोलते हैं। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो माइनिंग ट्रेनिंग में माइनिंग ट्रेनिंग किया है कितने साल के कोर्स के बाद, तो वो माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। वो क्या किया है, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, साइंटिफिक एंड माइनिंग ट्रेनिंग कितने साल के कोर्स के बाद। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम 2 ईयर्स का उसका साइंटिफिक एंड माइनिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो उसको क्या किया जाएगा, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठने का परमिशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर शैल सबमिट हिज सर्टिफिकेट टू डैश फॉर द टाइम बिंग ही एम्प्लॉयड। जब तक वो एम्प्लॉय रहेगा, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर जो इंजन ड्राइव को ऑपरेट करेगा, वो अपना सर्टिफिकेट किसको सबमिट करके रखेगा? ऑप्शन नंबर ए RIM, ऑप्शन नंबर बी ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ इन अंडरग्राउंड माइंस एवरेज मंथली आउटपुट इज 5000 टन, हु शॉल बी इट्स सेफ्टी ऑफिसर। अगर अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज मंथली आउटपुट 5000 टन है तो उस माइंस का सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन सर्टिफिकेट, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन, क्योंकि जब 5000 से ज्यादा हो जाता है अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज मंथली प्रोडक्शन, तब हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हो सकता है 10000 टन तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, नोटिस ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ एन इंजीनियर बिकॉज ऑफ टेंपरेरी अब्सेंस ऑफ ऑथोराइज्ड इंजीनियर शॉल बी सेंट टू। अब जैसा कि आपको पता होगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर रेगुलेशन से, कि इंजीनियर का मान के चलिए तबीयत खराब है या किसी भी रीजन से टेंपरेरी अब्सेंस है, तो मैनेजर एक दूसरे इंजीनियर को अपॉइंट करता है, तो इसका सूचना मैनेजर किसको देगा? ऑप्शन नंबर ए CIM एंड RIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी CIM, ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM, और RIM के बिना परमिट के 30 दिन से ज्यादा वो मैनेजर दूसरे इंजीनियर को नहीं रख सकता है, और RIM इस परमिशन को रिवोक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, whose responsibility is to see the person so appointed are competent to perform the duties assigned to him। जो person को जो भी duty दिया गया है, वो कर्तव्य अपना निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है, इसका responsibility किसको देखने का है, कौन ये देखेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी CIM, ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ये मैनेजर का कर्तव्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, एग्जामिनर्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 12 शॉल रिसीव रिम्यूनरेशन, यानी रिम्यूनरेशन मतलब होता है पेमेंट, एज फिक्स्ड बाय, किसके फिक्स करने के बाद बोर्ड के द्वारा एग्जामिनर्स को पेमेंट मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी CIM, ऑप्शन नंबर डी RIM। आप लोग अगर हल्का सा भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर मैंने क्वेश्चन में ही आपको हिंट कर दिया, पैसा देता है बोर्ड, लेकिन किसके सेंक्शन से देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन करता है, तो बोर्ड पैसा देता है एग्जामिनर्स को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हु शॉल परमिट अ मैनेजर टू वर्क इन मोर देन वन माइन। एक मैनेजर एक या एक से अधिक माइंस में काम करने का परमिशन किससे ले सकता है, कौन परमिशन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM, और कितने दिन के लिए होता है, 12 महीना के लिए, जब तक CIM को रिन्यू ना करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इन अ फर्स्ट डिग्री माइंस हैविंग एवरेज आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 15000 टन डैश सॉल होल्ड द पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। फर्स्ट डिग्री माइंस के केस में यदि एवरेज आउटपुट 15000 टन से ज्यादा है तो वेंटिलेशन ऑफिसर का पोस्ट कौन संभालेगा? ऑप्शन नंबर ए डिप्लोमा होल्डर, ऑप्शन नंबर बी डिग्री होल्डर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, 15000 से ज्यादा में मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, और यही अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड डिग्री की बात करें तो 10000 से ज़्यादा में आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर नहीं, मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। इंजीनियर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 34। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए और बिना पॉज किए इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग माइनिंग मिस्ट्री। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।